हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए दाई चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको एक ढोकला बनाऊंगी आपके लिए। सूजी का सूजी मैंने इसकी नाप से 1.5 कटोरी ले ली है, और मैंने इसको 20 मिनट तक भिगा के रख दिया था। और अब मैं इसमें क्या क्या डालूंगी आपको बताती हूँ। मैंने ये गाजर, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च और प्याज और थोड़ी सी बीन्स, मैंने ये बीन्स ली है, जिसमें मैंने एक गाजर का आधा गाजर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें गाजर डालूंगी, थोड़ी सी बीन्स पतली पतली काट के रख दिए, और एक प्याज छोटा, एक प्याज काटा पतला काट दिया, और ये हरी मिर्च में पतली पतली काट के रखी दो छोटी, और ये एक टमाटर बड़ा। मैं इसको सब मिला लेती हूँ, और इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, और तड़के के लिए मैंने जाए और कड़ी पत्ता लिया, और मैं इसको मिला लेती हूँ। और इसमें ये हरा धनिया, हरा धनिया भी डाल देती हूँ। सब इसमें मिक्स कर दिया, टमाटर जो है थोड़ा पानी छोड़ेंगे, तो मैं देखती हूँ अगर पानी इसमें ऐड और करना होगा तो मैं ऐड करूँगा। उसको मैंने सब ये मिला लिया है, थोड़ा यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो आवाज़ें आ रही हैं, तो आप मैं जैसे बता रही हूँ वैसे देख के देख लीजिए, उसी तरह बनाइए। तो मैंने इसको मिला दिया, तो थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँगी इसमें, आप जो भी सब्जी है आप घर में वो सब इसमें डाल सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। सूजी का ढोकला, बेसन का ढोकला तो सभी लोग बनाते हैं, तो मैं इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दिया। और लास्ट में मैं इसमें क्या कहते हैं ये इनो डालूँगी, दोस्तों ये मैंने सब मिला लिया, और मैं इसमें इनो डालूंगी। ये इस तरह होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा, तो मैं इसमें इनो डालूंगी। इनो आधा चम्मच इनो डालती हूँ, और मैं इसको मिला लेती हूँ। Thank you.
मैंने गैस ऑन कर दी और मैं एक कटोरी लिए मैंने इसमें इसमें ये मैं डालूँगा। कटोरी में पहले तेल लगा दें और मैं इसमें इसमें डालूँगी रखूँ। मैंने छोटा कुकर लिया है और उसमें इसमें ये कटोरी है छोटी साइज की, इसके ज़्यादा बड़ी साइज नहीं, छोटी साइज की है, तो मैं इतने ही बड़ा ढोकला बना रही हूँ। और मैंने गैस ऑन कर दिया और ये पानी गर्म हो गया और मैं इसको ढक देती हूँ कम से कम 15 से 20 मिनट तक। कह दिया दोस्तों ये देखिए अब फूल लगा है। और इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। फिर अभी हल्के हल्के फूलने लगा दोस्तों, ये हल्के हल्के फूल रहा है तो अभी पानी थोड़ा सूख गया था, मैंने इसमें थोड़ा पानी वाला कर दिया साइड से डाल दिया। अभी मैं इसको चेक कर दूँ, अभी 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 अच्छा है, अभी पकने में इसको टाइम लगेगा, कम से कम 50 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। दोस्तों मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा कसा इसमें इसको पानी में और भूलने देते दोस्तों। ये अब पक गया है, अब मैं इसको गैस को गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए थोड़ा ठंडा होने छोड़ देती हूँ। इसको मैं इससे बाहर निकाल देती हूँ, दोस्तों इसको मैं निकाल देती हूँ। दोस्तों ये ढोकला मैंने निकाल दिया और ये बहुत ही कलरफुल बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं इसमें तड़का लूँगी, दो चम्मच तेल डालूँ और गैस ऑन करती हूँ। अभी तड़का दूँगी, गैस ऑन कर तेल गर्म होने देती हूँ, फिर मैं राई और करी पत्ता का तड़का दूँगी। फिर
राई और करी पत्ता, मैं बंद कर देते हैं। मैं इसके ढोकले के ऊपर डालूंगा। दोस्तों अब ये ढोकला तैयार हो गया। अब ये ढोकला तैयार हो गया। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा बना है। देखिए बहुत ही अच्छा बना ढोकला, एकदम फूला फूला। आप इसको जरूर बनाएं और नानी दादी चैनल को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू। नानी दादी चैनल देखते रहिए।